मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में शैक्षिक उन्नयन अभिप्रेरण एवं नेतृत्व विकास हेतु शिक्षक संवाद का आयोजन डैड सभागार में किया गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि बच्चों के विकास में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षा ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। शिक्षा के महत्व को समझते हुए उसमें गुणात्मक सुधार लाया जाए और कार्य संस्कृति को विकसित की जाए। शिक्षक और चिकित्सक की मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी भूमिका होती है। जहाँ शिक्षक शिक्षा प्रदान कर बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है, उसी प्रकार चिकित्सक चिकित्सीय व्यवस्थाओं के माध्यम से जीवन की रक्षा करता है। उन्होंने कहा कि टीम वर्क की भावना से कार्य जब किया जाता है तो निश्चित रूप से उसके बेहतर परिणाम सामने आते हैं। जीवन में जब तक सीखने की लालसा नहीं होगी, आगे बढ़ने की परिकल्पना साकार नहीं होती है। इसलिए शिक्षक अच्छे ढंग से पूरे मनोयोग के साथ शिक्षण कार्य सम्पन्न कराएं और यदि कोई समस्या आती है तो उसका निराकरण करें, जिससे विद्यालय का नाम रोशन होगा और छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। मंडलायुक्त ने कहा कि शिक्षक पीटीएम माह में कम से कम दो बार अवश्य आयोजित करें तथा बच्चों की प्रगति से अभिभावक को अवगत कराएं, जिससे बच्चे के मनोबल में वृद्धि होगी। बैठक में बीएसए रमेंद्र कुमार सिंह, प्राचार्य डाइट डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह एवं अन्य शिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डाइट के प्राचार्य डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह ने कहा, दिन आप सरकारी नौकरी में आए थे और कितना दिन कट गया, कैसा कट गया, लेकिन केवल 10 मिनट के लिए आप अकेले ही दे उनके दामाद के होने जो आप जब रिटर्न मैंने ये काम किया इस प्रदेश का आगे की युवा पीढ़ी आपके साथ उनको कैसा ग्रूम करना है, उनको कैसा बना के लाना है, यह हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। जब तक हम हर बच्चे का इश्यू को एनालाइज नहीं करेंगे हम रिजल्ट दे नहीं पाएंगे। काम करना भी चाहे तो कोई भी आप लोगों का प्रॉब्लम है, मैंने यही कहना था कि हम लोग आपके साथ, आपका कोई भी प्रॉब्लम है आप सुनने के लिए तैयार। हमारा एवेल्यूशन आप देखेंगे चाहे किसी भी नेशनल और इंटरनेशनल स्कूल्स की एवेल्यूशन इन्हीं दो चीजों से होता है। तो साइंटिफिक तरीके से जो बेस्ट टीचिंग होता है वो हमका बिल्कुल बिना कोई इश्यू के कंट्रीज का जो सिस्टम हो अच्छे स्कूल्स में फॉलो होता है, अदरवाइज सिस्टम रट्टा मारने का ही सिस्टम हो जाता है। शिक्षकों की उन्मुखीकरण, उनके मोटिवेशन, लीडरशिप और उनको कार्य में और कैसे आगे अपनी कार्यों को ऊंचाइयों पर लाएं, कैसे ओनरशिप फील करें और स्कूल के जो संस्थागत सुविधाएं हैं और जो अन्य संसाधन हैं उसका कैसे पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें, शिक्षकों को कैसे अपने टीम वर्क के साथ काम करना है और बच्चों को, बच्चों की क्षमताओं, बच्चों की उपलब्धियों को बढ़ाएं और बच्चों में एक ऐसा व्यवहार परिवर्तन करें जो देश और राष्ट्र के लिए उपयोगी हो। सर को संवाद भी हुआ है? हाँ, शिक्षकों ने काफ़ी प्रश्न पूछे, अपनी जिज्ञासाएँ व्यक्त की और सभी प्रश्नों का हमारे आयुक्त महोदय ने बहुत ही पॉजिटिव और बहुत विस्तार से उत्तर दिया।